एपीएस सर्विस में आए दिन कुछ न कुछ अपडेट, कुछ न कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ न कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है कंपनी या फिर एनपीसीआई के ओर से। मैं बता दूं कि अगर आप एपीएस का काम करते हैं या फिर करने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है ख़राब होने वाली है, क्योंकि एपीएस का जो सर्विसेज है समाप्त होता दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं कि कई सारे बैंक खुद अपनी साइड से जो एपीएस का जो ट्रांजेक्शन है उस पर पाबंदी लगा दी है। कई सारे बैंकों में एपीएस से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी दिन से प्रॉब्लम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी प्रॉब्लम है, उसमें भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है। कुछ कस्टमर का होता है जिनने बैंक से परमिशन ले रखी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी प्रॉब्लम है और आने वाला समय में बहुत सारे बैंकों में प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बुरी अपडेट निकल कर आ रही है सभी एपीएस संचालकों के लिए, सभी बैंकों के ऊपर लागू होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एपीएस का जो काम है आने वाला समय में मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, बहुत ही कम हो चुके हैं। क्योंकि अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो एपीएस सर्विसेज काफ़ी आसानी से मिल जाती थी, कई सारे कंपनी प्रोवाइड कराती है जिसमें बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती थी और किसी में भी किसी बैंक में ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे कंडीशन लग गए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतनी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फर्जी हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा रिपोर्ट बैंक के पास पहुंच रही है कि बैंक को मजबूरी हो जाती है एपीएस ट्रांजेक्शन को रोकने की। मैं आपको बता दूं कि बैंकों ने अपने कस्टमर को आधार डी लिंक करना शुरू कर दिया है, यानी कि जिनका आधार लिंक था अकाउंट में, जिनका एनपीसीआई लिंक था, अब धीरे धीरे करके उनको डी लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि आधार जो लिंक है उसको हटा दिया जाएगा। तो वैसे में फ्रेंड्स, जिस कस्टमर का आधार लिंक होगा ही नहीं उसका पैसे कैसे निकाल पाएंगे। और ये जो अपडेट है मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इजी पे का नाम आपने सुना होगा, जो फिनटेक कंपनी है एपीएस प्रोवाइड कराती है, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट डाला था। कुछ दिनों के बाद बैंक स्टार्ट कर देगी, जिनके भी खाते में आधार लिंक है, जो आधार से पैसे निकालते हैं उनको धीरे धीरे करके सारे लोगों को जो है डी लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि जो आधार लिंक है उसको हटा दिया जाएगा। तो वैसे में अगर आधार लिंक हटा दिया जाएगा तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से एपीएस धंधा आपको कैसे चलेगी, जब कस्टमर के आधार लिंक होगा ही नहीं तो कस्टमर आपके पास पैसे निकालने नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपकी जो बिजनेस है काफ़ी हद तक डाउन होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होगी, जो अभी इनकम आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। और इन सब की अगर रीजन की बात करें तो वही है फ्रॉड एक्टिविटी। कई सारे कंपनी ने तो कुछ एरिया का ब्लॉक कर रखा है जहाँ से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, जहाँ से ज़्यादा फ्रॉड एक्टिविटी का रिपोर्ट आती है, उस एरिया में कंपनी एपीएस सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करा रही, यानी कि एपीएस सर्विस चालू करती ही नहीं है।